नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग डिस्कस करते हैं, क्वेश्चन नंबर फिफ्थ, 1, 2, 3, 4 नंबर क्वेश्चन पार्ट वन और पार्ट टू में हम लोग डिस्कस कर लिए, उसके लिए आप पार्ट वन और पार्ट टू का देख लीजिए। इसमें क्वेश्चन है कि ए इज 20% लेस इफिशियंट देन बी, बी एलोन कैन डू द वर्क इन 40 डेज, बी जो है अकेला 40 डेज में काम करता है, इन हाउ मेनी डेज ए एंड बी टुगेदर, ए एंड बी टुगेदर कंप्लीट द सेम वर्क, ए और बी दोनों मिलकर के कितने दिनों में काम करेगा। यहाँ पर देखिए ए बी जो कर रहा है, एलोन कैन डू द वर्क इन 40 डेज, तो 20 वन डे वर्क इक्वल्स टू कितना हो जाएगा, 1/40, ठीक है। अब क्वेश्चन में कह रहा है कि ए इज 20% लेस इफिशियंट देन बी, इसका मतलब ए इक्वल्स टू टोटल 100 है, 100 में 20% लेस इफिशियंट है, 100 माइनस 20 कितना बच गया, 80, यानी 80% ऑफ बी, यानी बी का ये 80% ए है, ठीक है। 80/100 इंटू बी का वन डे का वर्क कितना है, 1/40 है, ये 1/40 कर दीजिए, 2 ये आ जाएगा आपका 50, 1/50 ये जो आपका निकल गया इस वन डे वर्क इक्वल्स टू 1/50, बी का वन डे वर्क 1/40, ए का वन डे वर्क 1/50। अब ए प्लस बी टुगेदर, ए प्लस बी 1 डे वर्क इक्वल्स टू 1/40, ए का 1/40 प्लस 1/50, एलसीएम लीजिए, 40 और 50 का एलसीएम कितने हो जाएंगे, 40, 50 200 आ जाएगा एलसीएम, 200 ये आ जाएगा 5 और 45 जब 200 और प्लस 54 जब 200, 9/200, ए प्लस बी वन डे वर्क। अब हमें निकालना है कि दोनों मिलकर के कितना कितने दिनों में वर्क करेगा, इसका रेसिप्रोकल करेंगे, रेसिप्रोकल करेंगे तो ये आ जाएगा 200/9, जो ए प्लस बी का टोटल वर्क निकल जाएगा जितने दिनों में कंप्लीट करेगा, 200 में 9 से डिवाइड कीजिए, 200 9 9 2 18, 2 9 2 18 2, ये बच गया, आप कर सकते हैं, ये आ गया आपका दिस इक्वल्स टू 22 9/22 2/9 days, 22 2/9 days ये आंसर आ गया। फिर से एक बार देख लीजिए, ए इज 20% लेस एफिशिएंट देन बी, बी अलोन कैन डू द सेम वर्क इन 40 डेज, तो बी का वन डे वर्क पहले निकाल लीजिए 1/40। अब ये कह रहा है कि ए इज 20% लेस इफिशियंट देन बी, इसका मतलब ए जो है बी का कितना है, 80% ही है, 20% लेस इफिशियंट है, अगर 20% मोर इफिशियंट होता वहां पर 120% ऑफ बी करते, यहां से आपका निकल जाएगा 1/50 days, 1/50 ए का वन डे का वर्क हो गया, दोनों का ए प्लस बी का एलसीएम लेंगे, रेसिप्रोकल करेंगे, ये आंसर निकल जाएगा।